मंडे को मैंने एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न और बहुत ही पावरफुल रेमेडी शेयर की थी ना, इतने सारे फीडबैक्स मेरे पास आए हैं ना कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही हमारा हेयर फॉल रुक गया है। भाई होना ही था, जो फेथ के साथ विश्वास के साथ सारी रेमेडीज को करता है उनको रिजल्ट्स ना मिले ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहे हैं, रेमेडीज को ट्राई करना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, इसीलिए ट्राई भी मत कीजिए। पर अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो बिलीव मी, ऐसी पावरफुल रेमेडीज के मैजिक से वंचित क्यों रहना है जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं कर रहा है, कोई हार्म आपको नहीं कर रहा है, तो प्लीज डू गिव इट अ ट्राई। अगर आप कोई रेमेडी फिलहाल फॉलो कर रहे हैं तो उसी को करते रहिए। जब आप स्विच करना चाहें तो आप आज की रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल, ये उतनी ही ताकतवर है, लेकिन एक सिंपल तरीका है इसको करने का। मैं हर डायमेंशन इसकी आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे करना है, कब करना है, कौन कर सकता है, कौन थोड़ा सा ध्यान रख के करे, एवरी पॉसिबल थिंग। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो कम्प्लीटली और आइए जानते हैं आज का मैजिक क्या है। हेलो टू माय वंडरफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सोचे समझे जल्दी से उस लाल रंग के बटन को जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करके आप रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव यहाँ से लेकर जाएंगे, आई अश्योर यू दैट। सो प्लीज़ डू नॉट डिले, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सिंपल सा ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि आपकी बड़ी बड़ी रेमेडीज़ को मात दे सकता है। देखिए, यहाँ पर रेमेडीज़ का कंपैरिजन नहीं है कि वो बेटर और ये बेटर, लेकिन जो आपको सूट कर जाए वही सर्वप्रथम और वही सबसे अच्छी रेमेडी है कि नहीं। तो बस ये एक ऐसा ऑयल है जिसके साथ आपको कोई भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है यूज़ करने, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। इसके इंग्रीडियंट्स आप सुनेंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ भाई बात तो होगी, क्योंकि इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने कभी ऑयलिंग नहीं करी है अपने बालों के लिए तो आप इस ऑयल से दूर रहिए, क्योंकि आपको हेयर फॉल हो सकता है। ये बहुत पावरफुल ऑयल है। जब हम कहते हैं ना कि ये पावरफुल है, इसका मतलब इसमें ताकत है। अब इस ताकत को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, इसीलिए सोच समझ कर, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए, रेमेडीज को समझ कर, इंग्रीडियंट्स को समझ कर, अपने स्कैल्प को समझ कर फिर ही इस्तेमाल में लाइएगा। तो बिना डिले किए अब स्टार्ट करते हैं कि ऑयल को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको एक थिकर पैन, जिसका बेस तला बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप एक थिक बेस का पैन लेंगे, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो नथिंग लाइक इट, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आप कोई भी पैन ले सकते हैं। इसको हीट करने के बाद आप इसमें एक कप सरसों का तेल लेंगे, जिसको अंग्रेजी में मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है। ये सरसों का तेल एक सर्वगुण संपन्न ऑयल है। आप कहेंगे सबके लिए ऐसे बोलती हैं, भाई नेचुरल चीज़ें सब इतनी पावरफुल होती हैं, जाइए पढ़िए, मैं तो चलो ऐसे ही बोलती हूँ, आप पढ़िए इसके बारे में तब आपको समझ में आएगा। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कितना वर्सेटाइल ऑयल है आपके बालों के लिए। पहले के ज़माने में मेरी दादी मुझे बताती थी कि जब हमें शादी में जाना होता था तो हम हल्का सा सरसों का तेल अपने चेहरे पर लगा लेते थे। अब आप सोचिए, आजकल लगाएंगे आप? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि हमारी दादी नानी जो इतनी हेल्दी थी, इतनी अच्छी एज तक वो हमारे साथ रहे, इट वाज ऑल बिकॉज कि उन्होंने नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया था। आपको पता है सरसों के तेल से ऑयल पुलिंग भी की जाती है? जी हाँ, सोचा भी नहीं जाता है हमसे, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप किसी भी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर वो खाद्य है, अच्छी कच्चे घानी का तेल है, तो उसका जो बेनिफिट्स होते हैं उनमें चार चांद लग जाते हैं, थोड़ा सा और अपलिफ्ट हो जाते हैं। इस ऑयल को आप हल्का सा सिमर होने दीजिए, बिल्कुल नहीं जलाना है ऑयल को, हल्का हल्का गर्म होने दीजिए। और अब इसमें आपको लेने हैं अपने दो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स। आपको चाहिए 1 कप ऑफ मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ता कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में इन्हें करी लीव्स कहा जाता है, और आयुर्वेदा में इन्हें कृष्ण निम्बा या फिर गिरी निम्बा भी कहा जाता है। ये इतने पावरफुल चीज़ें हैं आपके बालों के लिए, आपके ब्लड के लिए। अगर आपको डिसेंट्री हो रखी है, डायरिया हो रखा है, नौजिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, आप सिर्फ इसका सेवन कीजिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां मुस्कुराते हुए जा चुकी हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डे टू डे लाइफ में ऐड करते हैं, इट मेक्स होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस।
तो ये जो आप कड़ी पत्ता देख रहे हैं ये हमारे घर पर उगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, इतनी खूबसूरत। जो सॉफ्टर पत्ते हैं उनको तो तोड़ के आप ऐसे ही सेवन कर लीजिए, मैंने भी किया, और जो बाकी के पत्ते हैं इनको आप बहुत आसानी से ही आप लीव्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। एक पूरी पत्ती लेके आपको जस्ट रिप ऑफ करना है रेस्ट ऑफ द लीव्स और इकट्ठी कर लेनी है अप्रॉक्सीमेटली 1 कप ऑफ करी लीव्स, डन। इसको आप तेल में डालेंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है और ये थोड़ा सा छिटकता है जैसे हम तड़का लगाते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। और 1 कप लीव्स आप इसमें ले लेंगे और हल्का हल्का सिमर होने देंगे। जब पत्ता, ऐसा कोई भी पत्ता तेल में जाता है तो वो करारा हो जाता है, चिप्स की तरह हो जाता है, और उसका सेवन आप अपने खाने में कभी कभी थोड़ा 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 डाल के एंड इस्तेमाल में ला सकते हैं। वेस्ट करने की गुस्ताखी या गलती आप नहीं करेंगे। इसके बाद आपको लेना है इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के बराबर, ऊपर नीचे कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है, फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना अपने आप में इतनी सारी चीज़ों का, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स का भंडार है, और जब ऑयल में इन्फ्यूज़ होता है तो आपके बालों को वो शाइन देता है, वो लस्टर देता है, चिकनाई देता है, क्यूटिकल जहाँ हर्ट हो जाते हैं उन्हें फिक्स करता है और आपके बालों की अपीयरेंस को कई लेवल बढ़ा देता है। ऑल्सो क्योंकि आप स्कैल्प पर इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं तो ये हेयर ग्रोथ और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देने में भी हेल्प करता है। तो अच्छे से आप इसको इन्फ्यूज़ होने देंगे दोनों ही चीज़ों को फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 minutes। सरसों का तेल बहुत ही गजब का तेल होता है, तलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसलिए जल्दी से जलता नहीं है, तो आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं तेल जल ना जाए। हाँ, अगर आप तेज़ आँच पर लाएंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन हम पूरा का पूरा ये जो कर रहे हैं प्रोसेस ये सिम पर करेंगे, बिल्कुल धीमी आँच पर 10 से 15 मिनट दोनों ही चीज़ों को सिमर होने दीजिए और इसके पश्चात आप गैस बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। तो जैसे ही आपका ये मिश्रण बनकर ठंडा हो जाए, अब आप इसको एक ग्लास बॉटल में सेव करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना पावरफुल डिकॉक्शन आप प्लास्टिक की बॉटल में सेव करें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ग्लास बॉटल को ही अरेंज कीजिए। जैम की बची हुई बॉटल को अच्छे से धो लीजिए, वॉट एवर इट इज़, जैसे भी अरेंज करना है कांच की बॉटल में ही डालिए। लेकिन बॉटल में तेल को ट्रांसफर करने से पहले आपको 2 पावरफुल चीज़ इसमें लेनी है, एंड दैट इज 2 ब्लैक पेपर यानी कि 2 काली मिर्च और 2 क्लोव्स यानी कि 2 लौंग। ये दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे ऑयल में इन्फ्यूज़ होंगी, उसे फ्रेश रखेंगी और आपके ऑयल में वो फैक्टर डालेंगे जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को स्कैल्प पर लेकर आएगा। ये इन्फ्यूजन हम वेट नहीं करेंगे कि पहले इन्फ्यूज़ हो फिर हम करेंगे, हम डे 1 से ऑयल का एप्लीकेशन शुरू कर देंगे, लेकिन ये जो डिफ्यूजन है इन इंग्रेडिएंट्स का वो ग्रेजुअली होता रहेगा, पर आप इसका वेट ना करें। इन दोनों चीज़ों को ग्लास जार में लेने के बाद आप एक छन्नी की मदद से सारा का सारा तेल एक ग्लास जार में डाल दीजिए। आपका मोस्ट पावरफुल ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। इसको अब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑयल से आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें तो आप इसको गुनगुना ही अपने स्कैल्प पर लगाइए। आप चाहें तो ओवन में 10 सेकंड्स के लिए घुमा सकते हैं, वरना डबल बॉयलर मेथड के तहत इसको गर्म कर सकते हैं या फिर धूप में रख सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप आती है तो, और हल्का सा लेके गुनगुना ही अपनी स्कैल्प पर मसाज कीजिए। आपके फॉलिकल्स इतने खुश हो जाएंगे ना कि बस आप बोलेंगे कैसे हमें ये चीज़ नहीं पता थी यार, इतनी सिंपल सी चीज़ रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये इतनी पावरफुल ही है, तो प्लीज़ इस्तेमाल में लाइए। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले अपने पूरे स्कैल्प पर अच्छे से लगा लीजिए, हल्का हल्का डिपॉजिट कीजिए, फिर जेंटली मसाज कीजिए। इसके बाद आप इसको अपनी पूरी लेंथ पर लगाएंगे। लेंथ पर लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ल्यूक वार्म हो, आप किसी भी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इसको अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। इतने शाइनी आपके बाल हो जाएंगे ना कि आपको लगेगा ये भगवान शीशा ही हो गए हैं लिटरली। यस, सरसों के तेल में वो ताकत है और इसमें तो और भी इन्फ्यूजन्स हो रखे हैं। अच्छे से पूरी लेंथ पर लगा के आप बन बना लीजिए, चोटी बना लीजिए, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वो कर लीजिए। अगर आप 1-2 घंटे के लिए ही लगा रहे हैं तो आप हॉट टॉवल भी लगा सकते हैं ताकि वो स्टीम से पूरा का पूरा अच्छे से अंदर सारा न्यूट्रिशन चला जाए, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप नॉर्मली जैसे हेड वॉश करते हैं वैसे हेड वॉश कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं आपके बालों को धोने के बारे में। देखिए, यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ है जो कि बहुत ही थिक ऑयल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार में तो तेल निकलता ही नहीं है, इसीलिए एक बार में धोइए या 2 बार में धोइए, आपकी मर्जी, पर तेल धोना है, आप बालों में नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है, तो अच्छे से इसको वॉश कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बालों में जो बाउंस आता है ना इसके बाद,
वो देखने योग्य ही होता है, तो प्लीज डू गिव इट अ ट्राई। बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, तो एक एप्लीकेशन में तो ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी, एक से दो एप्लीकेशन में आपको लगेगा कि आपके फॉलिकल्स थोड़े से स्ट्रांग हो रहे हैं, अपीयरेंस बेटर ऑफ हो रही है, पर ग्रोथ देखने के लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा फॉर अ मंथ में भी, या दो भी लग सकते हैं या तीन भी लग सकते हैं, पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स आपके हैं, आई प्रॉमिस यू। अब मैं आंसर दे रही हूँ कुछ ऐसे प्रश्नों का जो कि आपके दिमाग में डेफिनेटली आए होंगे जब आपने इसके एप्लीकेशन और प्रिपरेशन को सुना है। क्या इसे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डू गिव इट अ ट्राई। बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रांग है अनडाउटेडली, लेकिन उनके बाल अभी से स्ट्रांग रहेंगे तो आगे चलकर वो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इंडिविजुअली किसी चीज से अगर आप एलर्जिक हैं तो आई के नॉट से, लेकिन यस, ये पूरा का पूरा ब्लेंड अपने आप में बहुत पावरफुल है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए पैच टेस्ट ले लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। तो इसकी शेल्फ लाइफ क्या है? देखिए, वैसे तो सरसों का तेल आप महीनों रखिए, सालों रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर करी लीव्स, ऑर्गेनिक चीज़ का इन्फ्यूजन किया है, वो भी तब जब उसमें पानी था, यू नो, फ्रेश करी लीव्स थी, तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, इसीलिए आप इसको बंद नहीं रख सकते। कई बार होता है ना, प्रिपेयर करके रख दिया, लगा लेंगे कभी, ऐसा नहीं करना, बनाना है और जल्दी से जल्दी, मतलब हर एप्लीकेशन से पहले अप्लाई किया एंड जल्दी यूज कर लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज कीजिएगा। क्या हम इस ऑयल को रोज यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, रोज यूज नहीं किया जा सकता। आप हफ्ते में दो बार यूज कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट, इससे ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप रोज तेल लगाते हैं तो किसी लाइटर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, सरसों के तेल का नहीं। हमारे पास करी लीव्स नहीं है तो क्या हम करी पाउडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, गरम तेल में पाउडर डालते ही पाउडर जल जाता है, इसीलिए आप बिल्कुल गुनगुने तेल में पाउडर डाल के मिक्स करके और धूप में इन्फ्यूजन के लिए रख दीजिए, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अदरवाइज चांसेस हैं कि पाउडर जल जाए और हम जो इन्फ्यूजन चाहते हैं वो हो ही ना पाए, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। वीडियो के पब्लिक होते ही अगर आप नीचे कमेंट लिख देते हैं तो मैं फर्स्ट हाफ एन आवर के सारे कमेंट्स डेफिनेटली रिवर्ट करती हूँ। यू हैव बेटर चांसेस कि मैं आपको रिवर्ट करूँ, तो प्लीज़ टाइमली आइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, मैं ऐसी ही मैजिकल रेमेडीज यहाँ शेयर करती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट कर रही हैं, तो आप क्यों वंचित रहें? Be a part of this wonderful family. मैं आप सभी से मिलती हूँ in the next one. Till then, take really good care of yourself.